Assalamu alaikum students, today we will talk about the discussion. ये हमारे पास यूनिट नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग के टाइटल से, और इसकी हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. टेस्ट नंबर 4 है ये आपके पास. तो इसमें सिंपल सी बातें हैं जी, लेक्चर तो हम पढ़ चुके हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड एक्सपेक्टेड टू फॉर्म बिटवीन लिवस एसिड एंड लिवस बेस. तो सिंपल है बेटा, लिवस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और लिवस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है. तो इनके दरमियान ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड हैज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है. जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, मतलब दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव. तो इसमें देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये तो आयनिक है. लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये आयनिक नहीं है, बल्कि कोवलेंट कंपाउंड है. बीटा में आप आएँ, सोडियम क्लोराइड तो आयनिक है क्योंकि मेटल और नॉन मेटल सेम. ये सोडियम एस्टेलाइड है, सोडियम एस्टेलाइड का ये फार्मूला है, आपने चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2 में पढ़ा होगा ये सोडियम एस्टेलाइड. तो ये भी मेटल और नॉन मेटल, सोडियम और कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है. तो यही ऑप्शन ठीक है कि यहाँ ये दोनों जो हैं ये आयनिक कंपाउंड है. तो ये चार्ली में दोनों ही कोवलेंट हैं क्योंकि नॉन मेटालिक एटम है. डेल्टा में भी दोनों कोवलेंट हैं. तो इस तरह हमारा आंसर जो है ये बीटा है, जिसके अंदर दोनों जो कंपाउंड है वो आयनिक हैं यानी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है. व्हेन अमोनिया मॉलिक्यूल डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन. तो देखें, अमोनिया जो है इसमें आपको पता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपको पता है Ab3e ये वाली टाइप होती है, और इसमें एंगल 107 डिग्री होता है. लेकिन ये नाइट्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करती है और आपके पास ये अमोनियम आयन बन जाता है, तो ये जो अमोनियम आयन है इसकी जो ज्योमेट्री होती है ये रेगुलर Ab4 टाइप यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और उसमें आपको पता है एंगल क्या होता है, 109.5 डिग्री का होता है. तो ये 109.5 यानी अल्फा ऑप्शन आएगा, यानी जब अमोनिया मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोजन आयन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है और इस तरह अमोनियम आयन बनता है, यानी ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपको एक पता है बन गया. तो ये जो अमोनियम आयन है बेसिकली ये रेगुलर इसकी ज्योमेट्री होती है, Ab4 टाइप से ये बिलोंग करता है. और आपको पता है Ab4 टाइप में जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है, और इसमें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है. नेक्स्ट है जी, मेटल्स हैव पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच मेटल एटम प्रोवाइड्स ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द सी. मेटेलिक बॉन्ड के लिए एक थ्योरी है जी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, वो ये बताती है कि मेटल्स जितनी भी हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करती हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल एटम्स के दरमियान खाली जगहों में आके मेटल एटम के गिर्द एक सी या क्लाउड्स सा बना लेती हैं या पूल बना लेती हैं. तो उस पूल के अंदर मेटेलिक के टाइम्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं. तो अमूमन ये होता है कि जो मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो देती है सी के लिए, तो उसका मेटेलिक बॉन्ड भी मजबूत होता है. जिंक जो है ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, आपको पता है पॉजिटिव टू. मैग्नीशियम भी दो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, पॉजिटिव टू. सोडियम आपको पता है जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. हाँ, एलुमिनियम जो है इट हैज़ अबिलिटी टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन. तो आप देख सकते हैं एलुमिनियम मेटल जो है दैट प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस सी. विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड टेट्राक्लोरोमीथेन. तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये ओवरऑल जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. Ab4 आपको पता है इसकी ज्योमेट्री है. तो इसमें कार्बन के गिर्द ये जो चार क्लोरीन हैं, तो ये राइट लेफ्ट वाले और टॉप बॉटम वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाती है. तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन जो है ये ओवरऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. और आपको पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही होती हैं. ये इसका आंसर होगा. अरेंज द, ये आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं जी, HF अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड.
तो असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है, पहले आपने वो लिखा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ सबसे शॉर्ट हो, तो वो एच एफ मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद बेटा आपके पास वाटर आएगा, फिर उसके बाद अमोनिया मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि एच एफ का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे मजबूत होता है, जिस जो बॉन्ड सबसे मजबूत होता है उसकी लेंथ सबसे शॉर्ट होती है। तो एच एफ के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी लेंथ सबसे शॉर्ट है, फिर वाटर आएगा, अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इस लिहाज से ये बेटा चार्ली हमारा आंसर बनता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बॉन्ड एंगल इन द प्रोडक्ट ग्रेटर देन इन द रिएक्टेंट्स। अब अल्फा में देखिए, वाटर जो है इसमें बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है ना, और ये जो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है इसमें 107 डिग्री है, तो रिएक्टेंट का 104 है और प्रोडक्ट का 107। हमारा आंसर तो खैर यही बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे आते हुए बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बीटा ऑप्शन में देखेंगे, आपके पास इथीन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और बॉन्ड एंगल 120 होगा, इसकी हाइड्रोजिनेशन होती है तो प्रोडक्ट बन रहा है इथेन, इथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है। तो इसमें आप देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आते हुए बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। सेम कार्बन डाइऑक्साइड में sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, और ये जो बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा 120। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट था उसमें बॉन्ड एंगल कितना है 180, और प्रोडक्ट है बाइकार्बोनेट आयन उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल 120, तो इसमें भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे आते हुए जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो रहा है। डेल्टा में अगर देखें तो आपके पास ये इथाइन है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 का होता है जी, और इसकी हाइड्रोजिनेशन से इथीन बनी जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसमें भी बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 है। तो मतलब डेल्टा ऑप्शन में भी क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे आते हुए बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो सो बीटा, चार्ली, डेल्टा, इन तीनों ऑप्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे आते हुए बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि आपसे ये पूछा हुआ है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे आते हुए बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तो वो सिर्फ अल्फा में ही मुमकिन है। रेशियो ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन, आपको बताया जी बेंजीन मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं और पाई बॉन्ड कितने होते हैं जी 3 होते हैं, और इसलिए आज से सिग्मा और पाई की जो रेशियो है वो ये बनेगी, ये हमारे पास बीटा जो है ये आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर बॉन्ड, तो ये मोस्ट पोलर यानी पोलैरिटी जो है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो सबसे हाई कार्बन फ्लोरीन का है नंबर वन, फिर उसके बाद आपके पास ये नाइट्रोजन फ्लोरीन का आएगा नंबर टू, नंबर थ्री पे इसका आएगा और ये नंबर फोर पे इसका आता है। तो आपको पता है जिसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होता है उसी का ही बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा पोलर होगा, तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो है हेयर ये सबसे ज़्यादा पोलर है। अगर मैं इनका ऑर्डर बनाऊँ तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा है नाइट्रोजन फ्लोरीन से, और नाइट्रोजन फ्लोरीन की ज़्यादा है ऑक्सीजन फ्लोरीन से, और ऑक्सीजन फ्लोरीन की ज़्यादा है ये जनाब फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड से, ये इनका जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो बन रहा है। इन इथेन मॉलिक्यूल विच टाइप ऑफ लीनियर ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये है जी इथेन मॉलिक्यूल। इथेन का आपको पता है इस तरह का बेटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें सारे कार्बन हाइड्रोजन भले कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में कार्बन तो होगी जी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ हाइड्रोजन जो है इसका s ऑर्बिटल, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसमें कौन सी ओवरलैपिंग है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप करता है, और ये आपके पास जो है उसका आंसर बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की जी आपको दे रखी है, व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल टेक प्लेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस, कहने का मकसद ये है अगर आप गौर करें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 ऑर्बिटल, ये 2px है, 2PY है, 2PZ है, ये तीनों ही हाफ फील्ड है। तो अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके वैलेंस शेल में
जो हाफ फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं और उसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 हाफ फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py, 2pz, 3 हाफ फिल्ड। तो ये ओवरलैपिंग तो इन तीनों में होगी, लेकिन ओवरलैपिंग का असूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर ओवरलैपिंग टेक प्लेस, या आपने ये स्टेटमेंट भी आपकी नज़र से गुजरी होगी कि देर इज़ नो पाई बॉन्ड विदाउट सिग्मा बॉन्ड, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड बनता है लीनियर ओवरलैपिंग के जरिए, आफ्टर दैट जो है वो फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड बनता है। इधर भी यही पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल टेक प्लेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो लीनियर ओवरलैपिंग जो है वो पहले होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, आफ्टर दैट जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। तो ये इसमें जो है आंसर, ये गलत मार्क हुआ है, इसका आंसर जो है ये अल्फा बनता है, लीनियर ओवरलैपिंग बिटवीन 2px। ये px जो है आपको पता है ये अलोंग द x एक्सिस होता है, तो लीनियर ओवरलैपिंग भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, अलोंग द एक्सिस होती है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन के दो एटम करीब आते हैं, तो दोनों का जो 2px, इसका भी 2px, उसका भी 2px, इनमें ओवरलैपिंग होती है और फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड बनता है। आफ्टर दैट ये जो 2py और 2pz है, ये एक ही वक्त में फिर इन दोनों में पैरेलल ओवरलैपिंग होती है और फिर ये दो पाई बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन एटम के अंदर जो है ये दो एटम जब करीब आते हैं तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड में जाहिरी बात है आपको एक सिग्मा बॉन्ड मिलता है एक, और बाकी दो जो है वो पाई बॉन्ड मिलते हैं। इन विच सीक्वेंस आर द मॉलिक्यूल क्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। ना अब पानी का बॉन्ड एंगल आपको पता है 104.5 डिग्री है, अमोनिया का 107 डिग्री है और मीथेन का 109.5 है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बिल्कुल, मतलब यही हमारा आंसर ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं, पानी में 104 है और ये SF में दो मुख्तलिफ एंगल होते हैं, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में 120 डिग्री है। तो ये इसके मतलब जैसे वाटर में सारे 104 डिग्री के एंगल हैं, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में सारे 120 के हैं। ये ना AB6 टाइप से बिलोंग करता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है, तो इसके अंदर ये होता है कि ये जो है इनका एंगल और होता है चारों का, इन चार फ्लोरीन का और एंगल होता है और बाकी ये जो दो फ्लोरीन होते हैं इनका एंगल और, आपको पता है ये 180 का आपस में बन रहा है, ये सारे एंगल एक जैसे नहीं है। सो इसको तो हम सीक्वेंस की जंग से यहाँ से भी निकाल दें। तो ये भी अगर मीथेन का देखें ये 109.5 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 180 है, तो ये भी कोई उस सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बनता। पानी का यहाँ देखें 104.5 है, अमोनिया का 107 है और NF3 का बल्कि 102 डिग्री होता है, तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बन रहा। तो आंसर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर अल्फा ही बनता हुआ नजर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ओवरलैपिंग रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड जो है वो इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक जो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, ये बॉन्ड लेंथ को शॉर्ट करता है। जो परसेंटेज पी कैरेक्टर है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अपनी जगह पे दोनों ही कैरेक्टर, अब आप देखें अगर तो हम sp3 की बात करें तो यहां परसेंटेज पी कैरेक्टर मैक्सिमम होता है 75%, हाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर तो यहां शॉर्ट होता है 25%। इस बॉन्ड की लेंथ जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ इस sp3 ओवरलैपिंग से 154 पिकोमीटर बनती है, क्योंकि यहाँ एस करेक्टर कम है, एस करेक्टर कम हो तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ हम sp ओवरलैपिंग में आए, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन 120 पिकोमीटर, यानी बड़ी शॉर्ट है बॉन्ड लेंथ ना, sp ओवरलैपिंग वाले की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है। तो अल्टीमेटली देखें एक फैक्टर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी है, sp3 ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड आप देखें अल्केन्स हैं, उनके अंदर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, सारे अल्केन्स बड़ी इनर्ट होती हैं। सेम डायमंड को देख लें, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटीरियल ऑफ द यूनिवर्स, उसमें sp3 ओवरलैपिंग होती है। तो sp3 ओवरलैपिंग वाला जो बॉन्ड है होता तो वो भी बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ आ रहा है इन तीनों का कंपेरिजन, यानी sp3 sp3 sp2 sp2 और sp sp।
तो फाइनल जो पैरामीटर्स होते हैं, देखें बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने के भी तो ढेर सारे पैरामीटर्स हैं, या बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है उनको अफेक्ट करने वाले भी ढेर सारे पैरामीटर हैं, जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी है। यानी अगर हम sp3 ओवरलैपिंग वाले बॉन्ड को मजबूत कहते हैं, उसकी वजह होती है कि उसमें परसेंटेज पी करेक्टर जो है वो ज़्यादा हो। अल्टीमेटली या फाइनल जो पैरामीटर जिसको हम बेसमेंट बनाते हैं वो होता है जी बॉन्ड लेंथ। तो sp ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बॉन्ड है उसकी लेंथ सबसे शॉर्ट होती है, इस वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये चार्ली ही हमारा इसका आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंस्टेंटेनियस डायपोल्स आर फॉर्म, तो ये नोबल गैसेस जो हैं लिक्विड स्टेट में अगर हों या सॉलिड स्टेट में हों तो इनके अंदर जो है ये इंस्टेंटेनियस डायपोल या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बनती हैं। अगर यही नोबल गैसेस रूम टेम्परेचर पे हों या हाई टेम्परेचर पे हों तो उनमें कोई फोर्सेस नहीं होती। पानी पोलर है, ब्रोमीन नॉन पोलर है, तो इनमें तो होंगे डी बाय फोर्सेस ना, या इंड्यूस्ड डायपोल बनते हैं। सल्फेट आयन है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ आयन डाइपोल फोर्सेस हैं वो बनने जा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म और HCl दोनों ही पोलर हैं, तो यहाँ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं वो बनेंगे। तो वाहिद ये जो हैं आपके पास नोबल गैसेस या हेलोजेंस अगर हों तो वहाँ, या हाइड्रोकार्बन हैं एल्केन एल्कीन्स वगैरह, तो उनके अंदर ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। ग्रेटर परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब होता है शॉर्टर विल बी द बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है, हायर बॉन्ड एनर्जी ये भी ठीक है, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एंगल ये भी ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ठीक हैं। एस करेक्टर ज़्यादा हो तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है। मसलन आप ये देखें, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इधर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन है, और परसेंटेज एस करेक्टर जो है ये मैक्सिमम होता है। यहाँ अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करें तो आपको पता है सबसे शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर, और इससे ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एंगल भी आपको पता है थीटा इसका सबसे ज़्यादा होता है 180 डिग्री। sp3 में एंगल होता है 109.5, sp2 में होता है 120। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल भी इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सारी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। तो ये देखें, इसके भी टोटल अमोनिया के 8 इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर है। सेम फॉस्फेन में भी, तो ये भी दोनों ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा क्योंकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये भी ऑक्टेट को पूरा नहीं कर रहा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये हैं, लॉन पेयर तो खैर इसमें नहीं होता, यानी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसके जो हैं, ये 2 बॉन्ड हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इन तीनों का ऑक्टेट ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। ये भी ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी, ये तो खैर तीनों ही कर रहे हैं। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड नहीं करता, ये भी नहीं करता, लेकिन ये कर रहे हैं। तो मतलब आपने देखा हर ऑप्शन में आपको 3-3 मॉलिक्यूल का एक ग्रुप दिया हुआ है जिसको हम ट्राइएट का नाम देते हैं। अल्फा ऑप्शन में जो ट्राइएट है इसमें पहले 2 तो अमोनिया और फॉस्फेन तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि इनके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हो रहे हैं, यानी 3 एक लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा हो रहा है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो है इसके टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं। तो मतलब हमने वो ट्राइएट उठाना है जिसके तीनों जो मॉलिक्यूल हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो ना कर रहे हो, वो बीटा ही बीटा उसका पॉसिबल आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जनाब ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, सिर्फ ये नहीं बनाता जी, क्योंकि इसमें अगर आप देखें ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होता है, बाकी किसी में भी आप देखें, फ़र्ज़ किया ये HOCl3 है तो ये 2 ऑक्सीजन जो हैं इसकी ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रही हैं। जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान होती है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती, बाकी जो ऑक्सीजन होती है, एक ऑक्सीजन तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान आती है या ऑक्सी एसिड्स में इन सारों में, मतलब ऐसे ये 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान आएगी, बाकी की जो 3 ऑक्सीजन होंगी जैसे ये आप देख सकते हैं, तो ये 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो बन रहे हैं।
इसमें ये दो ऑक्सीजन है तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इसमें तीन है तो दो बनाएंगे, इसमें चार है तो तीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, इसमें ऑक्सीजन ही एक है तो इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। विच ऑफ द फॉलोइंग विल पोजेस हाईएस्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। N2O का जो स्ट्रक्चर है आपके पास इसका लिवर स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, ये पाई बॉन्ड अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे ये यहाँ आ सकता है तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा। आप ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड चेक करें, इधर बॉन्ड ऑर्डर 3 है इधर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये चूंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 और 2 के इन बिटवीन यानी 2.5 लिया जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। N2H4 की जब बात करते हैं तो इधर आप देखें इसका जो दो नाइट्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड है वो जस्ट एक बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। N2 में आपको पता है यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, जी यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 बन रहा है। N2O4 को देखें तो यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही बन रहा है, जो चार ऑक्सीजन है वो इस तरह से जुड़ी हुई है। तो देखें जी आपसे पूछा वो हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ, देखें जी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ जो है उसकी होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होगा। बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम या तो N2H4 में या N2O4 में। अब मसला ये है यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन यहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों नाइट्रोजन एटम के ऊपर स्ट्रेच लगाती है जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ जाती है, जबकि N2H4 में यहाँ हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रेच वगैरह नहीं लगाएगी तो यहाँ बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी शॉर्ट रहती है। तो मेरे ख्याल में तो ये N2O4 जो है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, N2O4 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। विच वन इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन हाइड्रोजन पारोक्साइड और ऑक्सीजन। ओजोन जो है जिसमें तीन ऑक्सीजन होती हैं उसका बेटा लिवर स्ट्रक्चर यूं होता है, ये इसमें भी ओजोन में रेजोनेंस होती है, ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, इस तरह इसका ये भी। आप भले इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को देख लें या इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को देख लें, इनका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 1 है और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, जबकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो ऑर्डर है वो 2 और 1 के इन बिटवीन, 2 और 1 के इन बिटवीन जो है वो 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर ओजोन का, ये ओजोन है जी O3 उसका बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा हाइड्रोजन परोक्साइड है उसका लिवर स्ट्रक्चर यूँ होता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बन रहा है जी 1 बन रहा है। पीछे जी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। तो बात यह है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी, मैंने आपको बताया ना बॉन्ड ऑर्डर जो होता है और बॉन्ड लेंथ आपस में इनवर्स है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ऑक्सीजन का है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट है, फिर ओजोन आएगी और हाइड्रोजन परोक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ये जो है बेटा आपका करेक्ट आंसर जो है वो बन रहा है। विच ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इनटू द स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड, ये मैंने पहले भी बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो SP-SP ओवरलैपिंग वाला बनेगा क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट होती है। विच वन हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, ये हाइड्रोजन डायपोल मोमेंट जो होती है इसका एक ये भी रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ब्रोमीन के पास आपको पता है 3 लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन के भी 3 लोन पेयर हैं। हाइड्रोजन परोक्साइड का स्ट्रक्चर यूं है, इसमें हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है,
इस तरह टोटल इसके अंदर आप देखेंगे चार लोन पेयर बन रहे हैं, यानी इसमें दो हैं इसमें तीन है। तो सबसे ज़्यादा चूँकि हाइड्रोजन परोक्साइड में लोन पेयर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी बॉन्ड सॉरी डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगी। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल निकालना है तो इसके लिए आपके पास फार्मूला कौन सा है, ये म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल। म्यू एक्सपेरिमेंटल यानी एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट वो होती है जो आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, और थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट वो होती है, इसको हम आयनिक भी कहते हैं, म्यू आयनिक, और वो एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्व करते हैं ना। तो ये फार्मूला बुक में दिया हुआ है, तो आंसर क्या बन रहा है, सी। द पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन डायपोल देन द नेट डायपोल मोमेंट कैन बी फाइंड आउट, ये स्टेटमेंट बेटा बुक में दी हुई है, वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स। यानी जब कोई आपके पास पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें एक से ज़्यादा डायपोल्स बन रहे हैं, तो उसकी जो नेट डायपोल मूवमेंट होती है वो जितने भी इंडिविजुअल डायपोल्स हैं उनकी डायपोल मूवमेंट्स का वेक्टर एडिशन, वो वेक्टर एडिशन या सम अगर ज़ीरो आ जाए तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। अगर उन सारी इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट्स का जो सम है वो ज़ीरो नहीं बन रहा तो वो मॉलिक्यूल पोलर होता है। एच एफ मालिक्यूल में परसेंटेज आयनिक करेक्टर और कोवलेंट करेक्टर ये बुक में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डायपोल मूवमेंट के टॉपिक में सॉल्व किया हुआ है। तो ये जनाब आयनिक करेक्टर और कोवलेंट करेक्टर की परसेंटेज ये बनती है। नेक्स्ट है जी, ऑल द आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट व्हेन। देखें जी, सॉल्युबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हायर देन लेटेस्ट एनर्जी। आपको ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि जब भी किसी साल्ट को आप पानी में डालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, उस आयनिक साल्ट के केट आयन एनायन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आयनिक बॉन्ड होता है उसको ब्रेक किया जाता है। उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि केट आयन एनायन के दरमियान वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक किया जाए, तो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। आफ्टर दैट दूसरा स्टेप ये होता है, जब केट आयन एनायन अलग अलग हो जाते हैं तो पोलर सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उनको सराउंड कर लेते हैं, जब सराउंड करते हैं इसको हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो लेटेस्ट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और हाइड्रेशन रिलीज होती है। तो वो तमाम साल्ट पानी में सॉल्युबल होते हैं जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी यानी रिलीज होने वाली एनर्जी ज़्यादा हो और लेटेस्ट एनर्जी कम हो यानी अब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी कम हो, ऐसे साल्ट पानी में सॉल्युबल होते हैं। और जिनकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो और हाइड्रेशन कम हो, ऐसे साल्ट रूम टेम्परेचर पे पानी में सॉल्युबल नहीं होते, उनको डिसॉल्व करने के लिए आपको हीट करना पड़ता है। हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे जाके वो डिसॉल्व होते हैं, मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट देंगे तो जाके वो डिसॉल्व होते हैं। तो नटशेल फिर यही हुआ कि हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हायर देन लेटेस्ट एनर्जी। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, जब नॉन डायरेक्शनल है तो उसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोवलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म इसलिए शो करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड है, ओवरलैपिंग चेंज होती है, बॉन्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एज अ रिजल्ट उस कंपाउंड की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तब्दील हो जाता है जिससे आइसोमर्स बन जाते हैं। तो आइसोमर्स आपको पता होते ही वही हैं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जब बॉन्ड्स की ओरिएंटेशन किसी मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए। तो ये वही बात है कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है इसलिए आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। डायपोल मूवमेंट इज हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग परसेंटेज आयनिक करेक्टर, यस। बॉन्ड पोलैरिटी, यस। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, यस। ये तीनों बातें जो हैं ये डायपोल मूवमेंट की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड, ये देखिए जी, फास्फोरिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आपने बताने हैं तो उनको टोटल करना है। देखिए सिग्मा बॉन्ड एक दो, ये डबल में भी एक सिग्मा होगा, तीन चार पाँच छः सात सेवन सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक है, तो इस तरह टोटल आठ हो गई।
सिग्मा और पाई बॉन्ड टोटल कितने हो गए जी, 8। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन केस ऑफ टालोइन। टालोइन का स्ट्रक्चर आपको पता ये होता है जी, जी बेटा ये टालोइन का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको पता बेंजीन के अंदर तो थे 12 सिग्मा बॉन्ड ना, ये जो CH3 ग्रुप हमने लगाया है इसमें आपको पता 3 सिग्मा बॉन्ड और ऐड हो गए ना, देखिए 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, तो ये 3 और ऐड हो गए, तो इस तरह ये टोटल 15 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब सिग्मा बॉन्ड हैं कितने, 15, और जो पाई बॉन्ड है वो तो जहरी बात है बेंजीन के अंदर आपको पता 3 ही पाई बॉन्ड होते हैं, तो इस तरह ये 15 और 3 तो ये रेशो 1:5 की बन जाएगी, तो ये वाला बेटा इसका पॉसिबल आंसर बन रहा है डेल्टा। तो टालोइन मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड की रेशियो जो है वो ये बन रही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर ज्योमेट्री एक्सेप्ट, तो इसमें ये AB4 है रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी AB4 है रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी रेगुलर AB4 में आ जाता है। डाइक्रोमेटोन जो है इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, ये इस तरह से बन रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो क्रोमेटाइन भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, लेकिन ये जहरी बात है नेगेटिव चार्ज और इस तरह से दो जो टेट्राहेड्रॉन है वो एक दूसरे के करीब है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत इनकी ज्योमेट्री पे फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज ये बाकी जितने भी हैं ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आते हैं, ये डाइक्रोमेटाइन की ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन होती हो सम वट इसकी भी टेट्राहेड्रल है, यानी एक ये क्रोमियम वाला पोर्शन अगर हम देखें तो वो भी चार दूसरे एटम से चार बॉन्ड बना रहा है ना, देखें 1, 2, 3, 4 सिंगल और डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी दे आर ट्रीटेड अलाइक। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव लीनियर ज्योमेट्री एक्सेप्ट, अब इसकी भी लीनियर है AB2 टाइप है, इसकी भी लीनियर है रेगुलर AB2 टाइप है, मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी रेगुलर AB2 है, लेकिन ये जो टिन क्लोराइड है AB2E, यानी इसके पास एक लोन पेयर होता है क्योंकि टिन जो है दैट बिलोंग टू ग्रुप 4 है, इसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से ये 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये इसकी रेगुलर मतलब लीनियर ज्योमेट्री नहीं होगी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पोजेस ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री एक्सेप्ट, ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर है क्योंकि AB3 में आता है, ये भी AB3 में आता है और ये भी AB3 में आता है मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ, ये जो है ये आपके पास AB3E एक लोन पेयर होता है जी फास्फोरस के पास, क्योंकि फास्फोरस का ताल्लुक ग्रुप 5A के साथ है, ग्रुप 5A के जो एलिमेंट हैं ये टोटल 5 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन 5 में से इन्होंने 3 बॉन्ड बनाए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास एज अ लोन पेयर मौजूद हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोजेस सेम परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट करेक्टर इन द बॉन्ड एक्सेप्ट, अब ये अमोनियम आयन है फॉस्फोनियम आयन है, तो इवन ये वाला भी अमोनियम आयन ही बन रहा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इन सारों के अंदर ना आपको पता है 25% ये डेटिव कोवलेंट करेक्टर होगा और 75% जो है ये सिर्फ कोवलेंट करेक्टर होगा, तो ये ऑक्सोनियम आयन के अंदर आपको पता है 33% डेटिव कोवलेंट करेक्टर है और बाकी 66% कोवलेंट करेक्टर, ये इस तरह से जो है इनकी मतलब ज्योमेट्री बन रही है। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम बॉन्ड लेंथ, मिनिमम बॉन्ड लेंथ उसकी होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इधर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इधर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बनेगा क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है, तो 1 और 2 के इन बिटवीन है बॉन्ड ऑर्डर, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा है वो ये वाला है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी, आपको पता है ये बताया हुआ है आपको कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ आपस में इन्वर्स होते हैं, तो ये चार्ली बेटा सी इसका आंसर है। विच वन हैज़ हाइस्ट बॉन्ड इंथोलपी, हाइस्ट बॉन्ड इंथोलपी ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका साइज जो है वो सबसे हाइड्रोजन का छोटा है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन
इवन कार्बन, इनका साइज जो है वो बड़ा है। एक तो कार्बन है सारों के अंदर कॉमन है, अगला एटम जो है वो हाइड्रोजन है। तो आपको पता है साइज और जो बॉन्ड लेंथ है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसका साइज सबसे स्मॉल है इन सब में, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो भी सबसे शॉर्ट होगी। बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो तो बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होती है। आपको पता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड इंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये अल्फा आंसर बनता है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बॉन्ड, इनमें वीकेस्ट बॉन्ड जो है कार्बन नाइट्रोजन जो है ये तो खैर सेकेंड पीरियड से हैं, इनका साइज छोटा होता है, ये तो बॉन्ड मजबूत होंगे क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो शॉर्ट है। सिलिकॉन और फास्फोरस में इस बॉन्ड की लेंथ जो है वो हाई है, ये सिलिकॉन और फास्फोरस इन दोनों का ताल्लुक थर्ड पीरियड से है, इनमें तीन शेल हैं, इन दोनों का साइज कार्बन नाइट्रोजन से तो बड़ा है लेकिन फास्फोरस से सिलिकॉन का साइज बड़ा है। सिलिकॉन का साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो भी हाई होगी। जब बॉन्ड लेंथ जिसकी हाई हो, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो, बॉन्ड वीक होता है, तो वीकेस्ट बॉन्ड यहाँ यही सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इज यूज टू डिटरमिन बॉन्ड लेंथ, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डाइफ्रेक्शन, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्शन, जनाब ये सारी यूज होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पोजेस ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री एक्सेप्ट, ग्रुप 5A वाले जो हैं जब वो ट्राइवेलेंसी शो करते हैं, जब से ये नाइट्रोजन है ये ग्रुप 5A का है लेकिन ट्राइवेलेंसी शो कर रहा है, फॉस्फोरस भी ट्राइवेलेंसी हालांकि ग्रुप 5A का है, इधर भी ये NH3 की जगह हो सकता है NF3 होता। एनी हो ये ग्रुप 5A के जो एलिमेंट हैं ये जब पेंटावेलेंसी की बजाय ट्राइवेलेंसी शो करते हैं तो ये ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री शो कर रहे होते हैं। तो ये बोरोन हाइड्राइड है या बोरेन इसको कहते हैं, बोरेन का नाम भी इसको दिया जाता है। तो ये रेगुलर बेटा AB3 टाइप से ये बिलोंग कर रहा है, तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइंगुलर प्लेनर होगी, ट्राइगोनल पैरामिडल इसकी मुमकिन नहीं। आइडेंटिफाई द ट्राइएड इन विच ऑल द स्पीशीज हैव सेम ज्योमेट्री, सेम ज्योमेट्री के लिए आप देखें NO2 जो है ये AB2 टाइप से बिलोंग कर रहा है, SO2 AB2E इसमें एक लॉन्ग पेयर है, ये AB2 से है। इन तीनों की तो ज्योमेट्री एक जैसी ना हुई, इसकी AB3 ये भी AB3 और ये भी AB3 है, तो इन तीनों की जो है वो ज्योमेट्री सेम है। इसमें अगर आप आए तो ये AB3E बन रहा है, एक लोन पेयर होता है, कार्बोकेटाइन AB3 में ही होता है और हाइड्रोनियम आयन जो है ये भी AB3E है, इन तीनों की भी ज्योमेट्री एक जैसी नहीं है। इसकी ये AB3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड भी AB3 में आता है लेकिन अमोनिया AB3E में आता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ बीटा ऑप्शन ऐसी है जिसमें ये तीनों जो हैं इनकी ज्योमेट्री एक जैसी है AB3। कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज नो डाइपोल मोमेंट बिकॉज रेगुलर शेप है जी इसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड रेगुलर ज्योमेट्री रखता है, मैंने आपको बताया हुआ है जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है ये AB4। तो इसमें यही है कि इसके इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, नेट डायपोल मूवमेंट इसकी जीरो हो जाती है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बाकी सिमिलर साइज ऑफ कार्बन क्लोरीन मुमकिन नहीं है, सिमिलर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसका भी कोई ताल्लुक नहीं, इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर इसका प्लेनर नहीं है बल्कि कैसा स्ट्रक्चर है जी इसका, इसका आउट ऑफ प्लेनर स्ट्रक्चर है क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होती। तो ये जो है हमने पिछला चैप्टर तो बेटा डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट अगला जो हमारा यूनिट है केमिकल एनर्जेटिक्स का है वो फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।